नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूवस्टोन क्लासेस। उम्मीद करता हूँ एनवायरनमेंट साइंस टेक्नोलॉजी के आपने तीनों वीडियोस देख चुके हैं। ये इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट इंडस रिवर डॉल्फिन, द IUCN स्टेटस इज एंडेंजर्ड। तो ये स्टेटमेंट सही है। इट्स साइंटिफिक नेम इज प्लैटनिस्टा माइनर। ये भी बिल्कुल सही है। दे आर फाउंड इन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान एंड रिवर बियास इन पंजाब इंडिया में। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको एक चीज बतानी है कि ये इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, हमारा जो नेशनल एक्वाटिक एनिमल वो गैंजेटिक डॉल्फिन है, इंडस रिवर डॉल्फिन नहीं है। ऐसे बहुत सारे डॉल्फिन्स जैसे इरावडी डॉल्फिन्स का नाम सुना होगा आपने, तो उसी तरह से ये डॉल्फिन्स अलग होते हैं इन टर्म्स इन रिस्पेक्ट टू गैंजेटिक डॉल्फिन्स, और वो हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज फॉर्मुलेटेड द प्लान ऑफ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यूरोपियन यूनियन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोपियन यूनियन। द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इज अ प्लान फ्रॉम यूरोपियन यूनियन टू टैक्स कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। कौन कौन से हैं ऐसे प्रोडक्ट्स? आयरन, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, एल्यूमिनियम एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। फ्रॉम 2026 को वो टैक्स करना शुरू कर देंगे। एंड द कार्बन बॉर्डर टैक्स इन्वॉल्व्स इम्पोजिंग एन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन अ कंट्री विथ लेस स्ट्रिक्ट क्लाइमेट रूल्स। तो जिन कंट्रीज में क्लाइमेट रूल्स लेस स्ट्रिक्ट है उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा देन वन बाइंग इट। ठीक है, तो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनका क्लाइमेट रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, उन कंट्रीज पे इंपोर्ट ड्यूटी यूरोपियन यूनियन लगाएंगे इन इन प्रोडक्ट्स पे, आयरन, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स पे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सल्फर डाइऑक्साइड, PM2.5, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर कवर्ड अंडर द एयर क्वालिटी इंडेक्स? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड, PM2.5, ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द AQI ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स एयर क्वालिटी डेटा वेरियस पॉल्यूटेंट्स इनटू सिंगल नंबर इंडेक्स एंड नोमेनक्लेचर एंड कलर्स। जैसे इस फोटो में आपको दिख रहा होगा गुड, मॉडरेट, अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी एंड हजार्डस, ऐसे कलर कोडिंग किया हुआ है। द पॉल्यूटेंट मेजर्ड अंडर AQI क्या क्या है? तो PM10 है, PM2.5 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सारे केमिकल्स पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूटेंट्स को हम लोग स्टडी करते हैं। तो देयर आर सिक्स कैटेगरी। फर्स्ट जो है गुड कैटेगरी, 0 to 50 होती है, फिर सेटिस्फैक्ट्री 50 to 100, मॉडरेटली पॉल्यूटेड 100 to 200, पुअर जो होंगे वो 200 से 300, वेरी पुअर वेरी पुअर 300 से 400, एंड सीवियर या हैजर्डस कह सकते हैं 400 से 500 या इवन अबव ऑल्सो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरी बेंच ऑफ द ट्राइब्यूनल कंसिस्टिट्यूटेड अंडर NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 मस्ट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो एटलीस्ट वन एक्सपर्ट मेंबर एंड टू जुडिशियल मेंबर्स, एटलीस्ट टू एक्सपर्ट मेंबर वन जुडिशियल मेंबर, एटलीस्ट वन एक्सपर्ट मेंबर एंड वन जुडिशियल मेंबर, एटलीस्ट टू एक्सपर्ट मेंबर एंड टू जुडिशियल मेंबर। तो इसका सही जो आंसर है वो एटलीस्ट वन एक्सपर्ट मेंबर होंगे और वन ही जुडिशियल मेंबर भी होंगे। ठीक है, तो वन वन एक्सपर्ट एंड वन जुडिशियल मेंबर। द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ ट्राइब्यूनल कंसिस्टेड अंडर द NGT 2010 इज 20 एक्सपर्ट मेंबर्स एंड 20 जुडिशियल मेंबर्स, इक्वल नंबर्स है। एवरी बेंच ऑफ सच ट्राइब्यूनल कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन एक्सपर्ट एंड वन जुडिशियल मेंबर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट
भारत स्टेज सिक्स एमिशन नॉर्म्स एज कंपेयर टू भारत स्टेज फोर एमिशन नॉर्म्स, ठीक है। द एमिशन ऑफ सल्फर इज एस्टिमेटेड टू कम डाउन बाई 80%, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। द एमिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज एस्टिमेटेड टू कम डाउन बाई 70% इन डीजल व्हीकल एंड 25% इन पेट्रोल व्हीकल। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो बोथ वन एंड टू इज द करेक्ट आंसर। भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स जैसे यूरोपियन नॉर्म्स होते हैं, इसी तरह से इंडिया में भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड है, इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द आउटपुट ऑफ एयर पॉल्यूटेड फ्रॉम मोटर व्हीकल्स फ्रॉम इंटरनल कंबस्टन इंजन इक्विपमेंट इंक्लूडिंग द मोटर व्हीकल्स। इन 2016 द सेंटर हैज अनाउंस दैट कंट्री विल स्किप, हम लोग ने BS5 भारत स्टेज 5 नॉर्म्स को हम लोग स्किप कर चुके हैं एंड हम लोग जंप किए हैं डायरेक्ट फ्रॉम BS4 टू BS6। द BS6 फ्यूल इज एस्टिमेटेड टू ब्रिंग डाउन 80% ऑफ रिडक्शन इन सल्फर फ्रॉम 50 PPM टू 10 PPM। PPM होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो सल्फर डाइऑक्साइड 80% रिडक्शन होगा एंड नॉक्स जो होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्रॉम डीजल कार इज एक्सपेक्टेड टू कम डाउन बाय नियरली 70%। डीजल कार के लिए है एंड पेट्रोल इंजन के लिए है 25% रिडक्शन होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वास स्तर सफल वेर ऑफन हर्ड इन न्यूज कॉरेस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ग्रीन ग्रीन क्रैकर्स, वाटर कन्वेंशन, बायो डिकम्पोजर्स, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। CSI नीरी लोकेटेड है नागपुर में, डेवलप्ड अ न्यू फॉर्मुलेशन टू रिड्यूस द एमिशन लाइट एंड साउंड एमिटिंग क्रैकर्स। और श्वास सफल स्टार ये जो अलग अलग वैरायटीज ऑफ ग्रीन क्रैकर्स हैं विद 30% रिडक्शन इन पर्टिकुलेट मैटर किसके थ्रू, तो यूजिंग पोटेशियम नाइट्रेट एज एन ऑक्सीडेंट। श्वास को क्या कहते हैं, सेफ वाटर रिलीजर विच सप्रेसेस द डस्ट रिलीज्ड बाय रिलीजिंग वाटर वेपर इन द एयर। तो वो डस्ट को सप्रेस कर देता है बाय रिलीजिंग वाटर वेपर इन द एयर। इट डज नॉट कंप्राइज पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फर वाइल पर्टिकुलर डस्ट रिलीज विल बी रिड्यूस्ड अप्रॉक्सीमेटली 30% रिड्यूस्ड हो जाएंगे विद द यूज ऑफ वाटर वेपर वाटर रिलीजर। देन स्टार इज द सेफ थर्माइट क्रैकर विच डज नॉट कंप्राइज पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फर, एमिट्स रिड्यूस्ड पर्टिकुलेट मैटर डिस्पोजल एंड रिड्यूस्ड साउंड इंटेंसिटी। तो ग्रीन क्रैकर्स के जो साउंड इंटेंसिटी होते हैं और साथ ही साथ में जो पॉल्यूटेंट रिलीजिंग कैपेसिटी हो तो उनको कम कर दिया जाता है, डस्ट भी बहुत कम हो जाता है। सफल इज अ सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम विच हैज मिनिमल यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम एंड यूज्ड मैग्नीशियम इंस्टेड। तो एल्यूमिनियम के जगह में मैग्नीशियम यूज किया जाता है और इसी से वाइट कलर शो होता है। इट एंश्योर रिडक्शन इन साउंड इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल कलर्स ट्रेडिशनल क्रैकर्स। तो ये सब जितने भी है ये ग्रीन क्रैकर्स के टाइप्स है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। इट हैज बीन डेवलप्ड बाई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। ये बिल्कुल ही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये सब जितने भी आर्मी से एयरफोर्स से रिलेटेड जितने भी इंजिन्स या मशीन्स मशीनरीज बनती हैं वो मेनली DRDO बनाती है। द SFDR बेस्ड प्रोपल्सन एनेबल्स द मिसाइल टू इंटरसेप्ट एरियल थ्रेट एट शॉर्ट रेंज एट अल्ट्रासोनिक स्पीड। ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या होगा, नीदर वन नॉट टू इज द करेक्ट आंसर। इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट बूस्टर इन अ मिसाइल सिस्टम एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट ट्रेन चांदीपुर ओडिशा कोस्ट पे। द SFDR बेस्ड प्रोपल्सन एनेबल्स द मिसाइल टू इंटरसेप्ट एरियल थ्रेट एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग रेंज एट सुपरसोनिक स्पीड। तो दोनों ही स्टेट गलत थी ना, शॉर्ट रेंज और अल्ट्रासोनिक नहीं होगा, लॉन्ग रेंज एंड सुपरसोनिक स्पीड। There are various measures to track the performance like telemetry, radar, electro-optical tracking system. और SFDR को develop किया है DRDO, Defence Research and Development Organization ने किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इट इज अ टू स्टेज मिसाइल विथ सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर एज इट फर्स्ट स्टेज एंड लिक्विड रैमजेट एज द सेकेंड स्टेज। इट ऑपरेट्स ऑन कमांड गाइडेंस। हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, जो सेकंड स्टेटमेंट वो गलत है। तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ब्रह्मोस, ब्रह्मोस का नाम जैसे है दो रिवर्स के नाम पे पड़ा है, एक है ब्रह्मपुत्र एंड मॉस है मॉस्कोवा रिवर जो मॉस्को में प्रेजेंट है। इज ए टू स्टेज मिसाइल विथ सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन एज फर्स्ट स्टेज, ये बिल्कुल सही है। विच हेल्प्स इन अटेनिंग सुपर सोनिक स्पीड, उसके बाद वो सेपरेट हो जाता है। द सेकेंड स्टेज कंसिस्ट ऑफ लिक्विड रैमजेट विच टेक्स द मिसाइल क्लोजर टू द स्पीड ऑफ 3 मैक। Then the missile has a flight range of about 290 km with supersonic speed throughout the flight. वो supersonic speed पे move करता है, which result in quick time engagement and non-interception by any other weapons. तो जो दुश्मन का radar है वो easily detect नहीं कर पाता है supersonic speed पे. It carries a conventional warhead about 200 to 300 kgs and it operates on fire and forget principle. मतलब एक बार आप shoot मिसाइल को लॉन्च कर देते हैं तो हम मिसाइल को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मूनस्टोन क्लासेस को और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।